नमस्कार दोस्तों, आपका तहे दिल से स्वागत है एक बार फिर से बोधि इंस्पायर्ड की वीडियो में। दोस्तों, एक समय की बात है, भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। तभी उनके एक शिष्य ने तीन बेहद महत्वपूर्ण सवाल पूछे। पहला सवाल था, कौन किसके भाग्य का खाता है? दूसरा सवाल, संसार का सबसे बड़ा बलवान कौन है? और तीसरा, जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत में क्या अंजाम होता है? भगवान बुद्ध ने इन सवालों को बहुत ध्यान से सुना और कहा, तुम्हारे ये तीनों सवाल गहरे अर्थ वाले हैं। हर इंसान को इन सवालों के जवाब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जीवन के महत्वपूर्ण सत्य को उजागर करते हैं। इसीलिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी में तुम्हारे सभी सवालों के उत्तर छिपे हैं। बुद्ध थोड़ी देर रुके, शिष्यों की आंखों में गहरी उत्सुकता देखी और फिर बोले, अब ध्यान लगाकर सुनो, क्योंकि यह कहानी तुम्हारे जीवन के दृष्टिकोण को बदल सकती है। शिष्य शांत हो गए, पूरी तरह से भगवान बुद्ध की ओर ध्यान लगाकर सुनने लगे। एक घना जंगल था, जहां एक विशाल और पुराना बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी शाखाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं, जैसे पूरे जंगल को अपनी बाहों में समेट लिया हो। उसी पेड़ की सबसे ऊंची शाखा पर एक ताकतवर बाज अपना घोंसला बनाए हुए था। उसकी नजरें हमेशा सतर्क रहती, जंगल के हर कोने पर, जैसे किसी शिकार की तलाश में हो। बरगद के पेड़ से थोड़ी ही दूरी पर जमीन में एक गहरा और अंधेरा बिल था। उस बिल में एक चालाक और फुर्तीला सर्प रहता था। एक दिन जब सर्प धीरे धीरे अपने बिल से बाहर निकलने लगा, उसकी हरकतों पर बाज की पैनी नजर थी। बाज ने तुरंत अपने पंख फैलाए और आसमान में उड़ान भरते हुए सीधा सर्प पर झपटने के लिए तैयार हो गया। लेकिन सर्प अपनी चाल समझ चुका था। वह अचानक रुक गया और फौरन वापस बिल में घुस गया। कुछ देर बाद सर्प ने फिर से अपना सिर बाहर निकाला, यह देखने के लिए कि बाज गया या अब भी उसे घूर रहा है। जैसे ही उसने अपना सिर बाहर निकाला, बाज ने फिर से हमला किया, पर सर्प ने खुद को फिर से बचा लिया और वापस बिल के अंदर छुप गया। ऐसा कई बार हुआ। हर बार जब सर्प बाहर निकलने की कोशिश करता, बाज उस पर हमला करने के लिए तैयार रहता। बाज की आंखों में एक ही ख्याल था, जब तू बाहर आएगा तुझे मैं अपना भोजन बना लूंगा। सर्प इस डर से बिल के अंदर ही दुबका रहता, उसकी हिम्मत बाहर निकलने की नहीं होती। समय बीतता गया और सर्प को महसूस हुआ कि वो कब तक इस अंधेरे बिल में यूं ही छिपा रहेगा। उसके मन में एक विचार आया, अगर राजा विक्रम यहां होते तो वे मुझे इस संकट से जरूर बचा लेते। वे तो हमेशा दूसरों के दुख दूर करने के लिए जाने जाते हैं। इस उम्मीद के साथ सर्प ने राजा विक्रम को मन ही मन याद करना शुरू कर दिया। जो भी उस रास्ते से गुजरता, सर्प उससे निवेदन करता, भाई कृपया मेरी बात राजा विक्रम तक पहुंचा दो या मुझे उनसे मिला दो, मैं जीवन भर तुम्हारा एहसान मंद रहूंगा। सर्प की आंखों में उम्मीद थी और दिल में डर। क्या उसकी प्रार्थना सुनी जाएगी? क्या राजा विक्रम उसे इस संकट से निकालेंगे? जंगल के सन्नाटे में सर्प अब बस इंतजार कर रहा था। एक दिन जंगल के रास्ते पर चलते हुए राजा विक्रम, जो हमेशा दूसरों के दुखों को दूर करने के लिए जाने जाते थे, उसी मार्ग से गुजर रहे थे। तभी उन्हें दूर से एक आवाज सुनाई दी, जो बड़ी दयनीय थी। सर्प अपने बिल के अंदर से ही पुकार रहा था, कोई है जो मुझे राजा विक्रम से मिला दे, मैं उसका जीवन भर एहसानमंद रहूंगा। राजा विक्रम रुक गए और बोले, क्यों भाई, तुम्हें राजा विक्रम से क्या काम है? सर्प ने धीरे धीरे अपनी बात रखी, महाराज मैं इस बिल में कई दिनों से बंद हूं, बाहर जाने की हिम्मत नहीं हो रही। पेड़ पर एक बाज रहता है, जो मुझे देखते ही मुझ पर हमला करता है। मैं इस डर से बाहर नहीं निकल पाता और न ही मुझे कुछ खाने को मिलता है। मैं बस यूं ही अपने जीवन के अंतिम क्षण गिन रहा हूं। राजा विक्रम ने सर्प की व्यथा सुनी और बोले, मैं ही राजा विक्रम हूं, बताओ तुम्हारे दुख का समाधान कैसे करूं? सर्प ने उत्तर दिया, हे महाराज, जो भी आपको उचित लगे कर दीजिए, लेकिन इस बात से मेरा पीछा छुड़ा दीजिए, नहीं तो वह एक दिन मुझे मार ही डालेगा। राजा विक्रम ने सोचते हुए कहा, तो क्या मैं तुम्हें इस जंगल से दूर कहीं छोड़ाऊं? सर्प ने हिचकिचाते हुए कहा, महाराज जब आप मुझे दूर ले जाएंगे तब भी बाज हमें देख लेगा और वहां भी मेरा पीछा करेगा। अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो मुझे कुछ समय के लिए अपने पेट में छिपा लीजिए,
जब बाज को पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ हूं, तब मैं आपके साथ दूर चला जाऊंगा और सुरक्षित जगह पर बाहर आ जाऊंगा। राजा विक्रम सहमत हो गए और बोले, ठीक है सर्पराज, तुम मेरे पेट में प्रवेश कर लो। राजा विक्रम ने अपना मुंह खोला और सर्प तुरंत उनके पेट में प्रवेश कर गया। राजा विक्रम उसे लेकर जंगल के दूसरे सिरे तक पहुंचे, जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। वहां जाकर विक्रम बोले, नागराज अब तुम बाहर आ सकते हो, यह सुनसान जगह है, यहां तुम्हें कोई बाज परेशान नहीं करेगा। परंतु सर्प ने ठंडी हंसी के साथ कहा, नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर नहीं आऊंगा। मुझे यहां रहने में इतना आनंद है कि मैं अब यहां से कभी नहीं जाऊंगा। राजा विक्रम चौंक गए, तुमने तो वादा किया था कि सुनसान जंगल में पहुंचने पर बाहर आ जाओगे, अब क्यों नहीं निकल रहे? सर्प ने कुटिलता से उत्तर दिया, महाराज तुम्हारे पेट में जो आराम है वह मेरे बिल में भी नहीं था, मैं अब यहीं रहूंगा। राजा विक्रम समझ गए कि यह सर्प बड़ा ही दुष्ट है। धीरे धीरे सर्प का जहर उनके शरीर में फैलने लगा। राजा विक्रम का शरीर जलने जैसा महसूस कर रहा था और उनके शरीर से जहर बाहर टपकने लगा। उनका पूरा शरीर घावों से भर गया और एक अजीब सी बदबू फैलने लगी। राजा विक्रम ने सोचा, अब अगर मैं अपनी राजधानी लौटूंगा तो इस हालत में नहीं जा सकता, मुझे पहले इस दुष्ट सर्प से छुटकारा पाना होगा। वह एक पेड़ के नीचे झोपड़ी बनाकर लेट गए, लेकिन सर्प उनकी कुंडली मारकर पेट में बैठा रहा। राजा विक्रम अब गंभीर संकट में थे और उनके पास केवल एक ही सवाल था, इस सर्प से कैसे निजात पाए? राजा विक्रम, जिनकी कभी वीरता और साहस की मिसाल दी जाती थी, अब उसी जंगल में एक कूड़ी के रूप में पड़े थे। उनके शरीर से झर रिस रहा था और उनके आसपास बस एक सन्नाटा छाया था। उसी समय श्रावस्ती नगरी में राजा अर्जुन का राज्य चलता था। राजा अर्जुन एक अहंकारी और घमंडी राजा था, जो अपनी शक्ति और समृद्धि पर बहुत गर्व करता था। उनके पास 3 सुंदर पुत्रियां थीं। एक दिन राजा अर्जुन ने अपनी बेटियों से पूछा, बताओ बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो? 2 बड़ी बेटियां अपने पिता के डर से तुरंत जवाब देती हैं, पिताजी हम तो आपके भाग्य का ही खाते हैं। लेकिन सबसे छोटी बेटी सीता, जो अपनी आत्मनिर्भरता और सत्य के प्रति समर्पित थी, साहस दिखाते हुए बोली, नहीं पिताजी, मैं किसी के भाग्य का नहीं बल्कि अपने ही भाग्य का खाती हूं। यह सुनते ही का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वह अपने अहंकार में चूर होकर बोला, अच्छा तो तू अपने भाग्य का खाती है, अब मैं तुझे तेरे भाग्य के हवाले करता हूं। राजा ने तुरंत नाई और ब्राह्मण को बुलाया और आदेश दिया, इन दोनों बेटियों का विवाह किसी राजकुमार से कर दो, लेकिन इस सीता का विवाह किसी अपाहिज कूड़ी कलंक से कर दो, जिसे कोई नहीं चाहता। राजा के आदेश पर नाई और ब्राह्मण निकल पड़े। उन्होंने 2 बड़ी बेटियों के लिए राजवंशों से उपयुक्त वर खोज लिया, लेकिन जब सीता के लिए वर ढूंढते हुए वे जंगल की ओर बढ़े तो उन्होंने विक्रम को देखा, जो अब कूड़ी की हालत में झोपड़ी में पड़े थे। उनके शरीर से कोढ़ बह रहा था और वह बुरी हालत में थे। नाई और ब्राह्मण एक दूसरे से बोले, यह तो राजा के आदेश के अनुसार सबसे उपयुक्त वर है, इसी के साथ सीता का विवाह कर देते हैं। इस प्रकार राजा अर्जुन ने अपनी बेटी सीता का विवाह उस जंगल में विक्रम के साथ कर दिया। सीता, जो एक सच्ची पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री थी, ने बिना किसी शिकायत के विक्रम की सेवा में खुद को समर्पित कर दिया। जहां उसकी बहनें राजमहलों में आराम और ऐश्वर्य का जीवन बिता रही थीं, वहीं सीता अपने पति के साथ जंगल में संघर्षपूर्ण जीवन जी रही थी। समय बीतता गया, लेकिन सीता का समर्पण और उसकी आस्था डिगी नहीं। वह हर दिन विक्रम की देखभाल करती, उनके घावों की सफाई करती और अपने नियम और धर्म का पालन करती रही। उसी झोपड़ी के पास एक पीपल का पेड़ था और उस पेड़ के नीचे एक और सर्प का बिल था। रात का समय था और राजा विक्रम गहरी नींद में सो रहे थे। सीता हमेशा की तरह अपने पति की सेवा में लगी हुई थी। उसी समय झोपड़ी के पास पीपल के पेड़ के नीचे बने सर्प के बिल से एक सर्प बाहर निकला और राजा विक्रम के पेट में बैठे दुष्ट सर्प से बोला, अरे दुष्ट, तूने अपने वचन से मुकरकर बहुत बड़ा अपराध किया है। तूने राजा विक्रम से कहा था कि दूर वन में जाकर
उनके पेट से बाहर निकल जाएगा, परंतु अब तूने उनके पेट में ही अपना निवास बना लिया है। तेरे झर के कारण राजा विक्रम के पूरे शरीर पर कोड़ उभर आया है, क्या तुझे शर्म नहीं आई? उसने आगे कहा, राजा विक्रम, जो इतने परोपकारी और दयालु हैं, न जाने कितने लोगों के दुख दूर कर सकते थे, लेकिन तेरे कारण वे अब स्वयं दुखी हैं। मैं तेरे मरने का उपाय जानता हूं। यदि कोई इस राजा को गंगा जल पिला दे तो तू तुरंत मर जाएगा और राजा के शरीर से बाहर निकल जाएगा। राजा विक्रम के पेट में बैठा सर्प क्रोधित होकर बोला, तू भी धन के खजाने पर बैठा है पर उसका कोई उपयोग नहीं कर रहा। यदि इस धन को मानव समुदाय के कल्याण में लगाया जाता तो इससे अनेकों लोगों का भला होता। मैं तेरे मरने का भी उपाय जानता हूं। यदि कोई पीपा भरकर गर्म तेल तेरे बिल में डाल दे तो तू उसी क्षण नष्ट हो जाएगा और इस जगह की खुदाई करने पर अपार धन संपत्ति निकलेगी। सीता ने यह सारी बातें ध्यान से सुनी। उसे समझ आ गया कि महाराज विक्रम के पेट में सर्प बैठा हुआ है और उसी के कारण विक्रम के शरीर में कोट फैल गया है। सीता ने बिना समय गंवाए एक आश्रम का रुख किया जहां एक महात्मा रहते थे। वहां पहुंचकर उसने महात्मा से गंगा जल मांगा। महात्मा ने उससे पूछा, बेटी तुम कौन हो और गंगा जल क्यों चाहिए? सीता ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, हे मुनिवर, मैं राजा अर्जुन की पुत्री सीता हूं। मेरे पति राजा विक्रम के उपचार के लिए मुझे गंगा जल की आवश्यकता है। महात्मा ने उसे एक गिलास गंगा जल दे दिया। सीता जल्दी जल्दी अपने पति के पास लौटी और राजा विक्रम से कहा, महाराज यह दवाई है जो आपके कोढ़ को ठीक कर देगी, कृपया इसे ग्रहण कीजिए। राजा विक्रम ने गंगा जल का पान किया और जैसे ही उन्होंने गंगा जल पिया उनके पेट में बैठे सर्प के तुरंत 100 टुकड़े हो गए। वह सर्प नष्ट हो गया और धीरे धीरे राजा विक्रम के शरीर से मल के रास्ते बाहर निकल गया। अब राजा विक्रम का कोढ़ भी धीरे धीरे ठीक होने लगा और कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। सीता के त्याग, सेवा और विश्वास के कारण राजा विक्रम को न केवल जीवन मिला बल्कि उनका खोया हुआ स्वास्थ्य और शक्ति भी वापस आ गई। राजा विक्रम का उपचार पूरी तरह से हो गया था और वे पहले की तरह स्वस्थ हो गए थे। तब सीता ने राजा विक्रम से कहा, हे महाराज, मैं एक स्त्री हूं और इस वन से बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकती। आप शहर में जाइए और एक पीपा तेल लेकर आए। राजा विक्रम ने पूछा, सीता तुम इस तेल का क्या करोगी? सीता ने उत्तर दिया, महाराज आप पहले तेल का पीपा लेकर आइए, फिर मैं आपको बताऊंगी। राजा विक्रम सीता की बात सुनकर बाजार गए और वहां से एक पीपा तेल लेकर आए। सीता ने तुरंत एक आग जलाई और उस तेल को गर्म करना शुरू कर दिया। जब तेल पूरी तरह से गर्म हो गया तो उसने सर्प के बिल में वह तेल खाली कर दिया। जैसे ही गर्म तेल उस बिल में डाला गया सर्प की मृत्यु हो गई। फिर सीता ने राजा विक्रम से कहा, महाराज अब इस स्थान को खोद दीजिए। राजा विक्रम ने स्थान की खुदाई की और वहां से अपार धन संपत्ति निकली। इसके बाद सीता ने कहा, महाराज देखिए मैं जानती हूं कि आप उज्जैन नरेश राजा विक्रम हैं, परंतु मेरे पिता ने मेरा अपमान किया था और मुझे एक कोढ़ी व्यक्ति को दे दिया था, लेकिन मैंने हमेशा कहा था कि मैं अपने भाग्य का खाती हूं। अब इसी स्थान पर मेरे पिता के महल से भी बड़ा महल बनना चाहिए। राजा विक्रम ने कहा, सीता तुम कैसी बातें कर रही हो? हम नरेश हैं, यहां पर महल क्यों बनाएंगे? चलो हम उज्जैन नगरी लौटते हैं। परंतु सीता नहीं मानी। अंत में राजा विक्रम ने उसी वन में एक शानदार महल का निर्माण करवाया। समय सबसे बलवान होता है। जिसका समय अच्छा होता है वह आगे बढ़ता है और जिसका समय विपरीत होता है वह पतन की ओर अग्रसर हो जाता है। ऐसा ही हुआ राजा अर्जुन के साथ। उनके राज्य पर एक दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया और राजा अर्जुन पराजित हो गए। उन्हें और उनके परिवार को अपनी जान बचाने के लिए वन में शरण लेनी पड़ी। वन में भटकते हुए राजा अर्जुन भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। उनके वस्त्र फटे हुए थे और वे अत्यंत कष्ट में थे। तभी वे सीता और राजा विक्रम के महल के पास से गुजरे। सीता ने अपने पिता को पहचान लिया और अपने एक सेवक को भेजकर उन्हें बुलवाया। राजा अर्जुन ने सोचा, यह कौन हो सकता है और हमें क्यों बुला रही है?
जब राजा अर्जुन उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी बेटी सीता को पहचान लिया। सीता ने अपने पिता से कहा, पिताजी मैं वही सीता हूं, याद है मैंने आपको कहा था कि मैं अपने भाग्य का खाती हूं। देखिए आज मैं उज्जैन नरेश राजा विक्रम की पत्नी हूं। आपने मुझे एक कोढ़ी को दिया था परंतु मेरे भाग्य में सम्राट लिखा था। राजा अर्जुन ने मन में विचार किया और अपनी बेटी से अपने किए हुए अपराध के लिए क्षमा मांगी। इस संसार में सबसे बड़ा बलवान समय होता है। हर व्यक्ति अपने भाग्य का ही खाता है, किसी और के भाग्य का नहीं। हर दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है और हमें यह समझना चाहिए कि हम किसी को खिलाने वाले नहीं हैं। इस संसार में सभी को खिलाने वाला केवल एक ही है और वह भगवान है। जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत वही होता है जो राजा विक्रम के पेट में बैठे हुए सर्प का हुआ था। अंत में सत्य की ही जीत होती है और अधर्मी, अत्याचारी और पापियों का नाश होता है। इस प्रकार राजा विक्रम और उनकी पत्नी सीता ने राजा अर्जुन का आदर पूर्वक स्वागत किया। राजा विक्रम ने राजा अर्जुन को अपने साथ उज्जैन नगरी ले आए और उनकी मदद के लिए अपनी सेना भी भेजी। सेना ने राजा अर्जुन का राज्य पुनः जीत लिया, जिसे पहले एक अन्य राजा ने छीन लिया था। यह कहानी यह संदेश देती है कि जिसकी किस्मत अच्छी होती है और जिसके कर्म सच्चे होते हैं उसे ईश्वर कहीं ना कहीं से मदद पहुंचाते हैं। हम में से कई लोग अपने छोटे से परिवार का पालन पोषण करने में भी कठिनाई महसूस करते हैं, लेकिन इस दुनिया का पालन करने वाला भगवान पूरे संसार के सभी जीवों का ध्यान रखते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। हमें आपके समर्थन की अत्यंत आवश्यकता है, इसीलिए कमेंट करके हमें बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।